बहुजन समाज की हर खबर पाने के लिए सब्सक्राइब करें अंबेडकर पीपल्स वॉइस और बेल आइकन दबाएं। बलिया के डीएम भवानी सिंह ने मांगी माफी। बलिया के सरकारी स्कूल में दलित बच्चों को अलग बिठाकर खिलाने का मामला था। बलिया डीएम ने बसपा नेता मदनलाल का किया था अपमान। बसपा नेता से गड़ी गाड़ी और जूतों की कीमत पूछना डीएम साहब को पड़ा भारी। बलिया के डीएम ने अब मांग ली है सब लोगों से माफी। पिछले दिनों इंटरनेट पर एक काफी ज्यादा वीडियो सुर्खियों में रहा था। आपको बता दें कि बलिया के एक सरकारी स्कूल में बच्चों को अलग से बिठाकर खाना खिलाने और जातिगत भेदभाव की घटना सामने आई थी। उसके बाद बसपा के नेता मदन राम वहां पर चेक करने गए थे। उसी समय बलिया के डीएम भवानी सिंह वहां पर पहुंचे और उन्होंने बसपा नेता का अपमान किया। बसपा नेता से हाथ पकड़कर उनकी घड़ी की कीमत पूछी और उनके जूतों की कीमत पूछी। उसके बाद डीएम क्या काफ़ी ज़्यादा सोशल मीडिया पर ट्रोल हुए और आज उन्होंने माफ़ी मांग ली। देखिए पूरा मामला क्या था। 25 लाख की गाड़ी में सफ़ेद पोश आए, जूते की कीमत क्या है भाई साहब इसकी? ये गलत इस जूते की कीमत क्या है बताइए? गलत आरोप लगा रहे हैं सर ये। इस जूते की कीमत क्या है? डीएम साहब आप गलत आरोप लगा रहे हैं। इस घड़ी की कीमत क्या है? आप डीएम साहब गलत आरोप लगा रहे हैं। इस घड़ी की कीमत क्या है? ये गलत बात है भाई। डीएम साहब ये तो वास्तविकता का सिर्फ एक अंश है। आप इसे अंतर कर रहे हैं। मुद्दे पे बात अंदर होगी। आइए आप इसे अंतर कर रहे हैं। मुद्दे पे बात अंदर होगी। मैं आपके साथ बहस करूंगा। हम माफी सत्यता क्या है हम लोग मिलकर पता लगाएंगे। मेरा आपसे सर निवेदन है आप जाँच करा ले। मैं आपके सामने करूंगा। आपके विरुद्ध आप कार्रवाई करें। निवेदन कर रहे हैं। जाँच करा।